माय चैनल नैन्सीज डिलीशियस फूड में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट ओरियो केक की रेसिपी। सो ज़रूर से अपने घर पे ट्राई करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मैंने विथ आइसिंग पूरा डेकोरेशन के साथ मैंने आपको सब पूरा वीडियो में इसमें शेयर कर रही हूँ। सो ज़रूर से कभी अपने घर पे ट्राई करें। एंड आपको आपके पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो ये कुकर में भी 30 मिनट्स में केक बनके रेडी हो जाएगा। देखिए फुल लुक हमारे केक का। सो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो देखिए इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे पूरा। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना ऑयल ले लिया है, 1/2 कप जितनी शुगर ले ली है, 1 कप मैंने मैदा ले लिया है एंड 1/3 कप जितना मैंने कर्ड ले लिया है। वनीला एसेंस है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा हम कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे एंड बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। देखते जाइए कैसे कैसे हम। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो सारा होता ही है कि क्या क्या कितना कितना मेजरिंग मैंने इसमें। सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं ये हमारा ऑयल ने जो निकाल के रखा था वो एंड पाउडर्ड शुगर। चीनी को मैंने पीस लिया है एकदम बारीक मिक्सचर जार में एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड। हम बहुत मतलब टाइम लेके धीरे 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 काम नहीं करते, बहुत जो फास्ट होता है झटपट होता है वैसा ही। कोई बोल चेंज करने करना है, इसी बोल में हम केक को अवन में बेक भी कर लेंगे माइक्रोवेव में। अब हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है, जो लिक्विडी जो जो हमने ऐड किया है। सो अब इसमें हम मैदा ऐड कर देंगे एंड उसके बाद 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा एंड 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग पाउडर भी हमने ऐड कर दिया है और उसके बाद 1 टेबलस्पून हम इसमें कोको पाउडर, क्योंकि ये चॉकलेट केक है सो इसमें बेकिंग पाउडर कोको पाउडर ज़्यादा ही जाएगा। सो फुल 1 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर जाएगा एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर भी ऐड करने वाली हूँ। इन सारी चीज़ों को 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है, सारी चीज़ों को हम इसमें स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर देंगे अच्छी तरह से। ये स्ट्रेन हो जाए उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑफ मिल्क ले लिया है। हम थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके कंसिस्टेंसी देखेंगे कैसी हो रही है फिर। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 6 to 7 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो वो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा एंड टेस्ट निखर के आएगा। अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे एंड आज मैं पूरा आइसिंग के साथ केक बनाने वाली हूँ चॉकलेट की। ये देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। सो 1/2 कप ऑफ मिल्क में से हमारा हो गया है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी बेक होने के लिए। इसको 5 to 6 टाइम्स ऐसे ऐसे टैप टैप करेंगे जैसे इसके अंदर जितनी भी एयर हो वो निकल। ये देखिए हमने 4 मिनट्स के लिए अवन में इसको माइक्रोवेव में रख दिया है सेट बेक होने। 4 मिनट्स के बाद चेक करेंगे, अगर थोड़ा कच्चा पक्का हुआ तो फिर ज़्यादा उसमें हम ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे। हमारा केक एकदम से 4 मिनट्स में ओनली 4 मिनट्स में माइक्रोवेव में बनके एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने कोई कन्वेक्शन पे नहीं लगाया, कुछ नहीं, सीधा 4 मिनट्स पे रख दिया था एंड देखिए ये साइड भी छोड़ने लगा है अपने आप, इसकी साइड भी रिमूव हो रही है। मैंने कुछ टच भी नहीं किया अंदर तक, एकदम नाइफ डाल के हम देखेंगे, एकदम नाइफ
क्लीन आया है, मतलब ये अच्छे से पक गया है। सो अब हम इसके इसके ऊपर जो आइसिंग करेंगे उसके लिए हम जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, मैंने व्हिपिंग क्रीम मैं आज यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं डार्क चॉकलेट लिया है, मोल्डे का जो आता है डार्क चॉकलेट, एंड ये वाइट चॉकलेट जिसको हम वाइट कंपाउंड के नाम से, ये होता है वाइट कंपाउंड एंड बटर। तो इससे हम पूरे केक की आइसिंग करेंगे। एंड मेरे पास शॉर्ट्स पड़े हैं, सो हम शॉर्ट से ऊपर डेकोरेट करेंगे, देखते जाइए। और मैं इसको पहले माइक्रोवेव में मेल्ट करती जाऊंगी। डबल बॉयलर से बहुत टाइम लगता है, सो डबल बॉयलर मेथड से भी आप कर सकते हैं जिनके पास नहीं है। और मैं अभी इसमें माइक्रोवेव में 2 to 3 minutes में ये हमारा डार्क चॉकलेट पहले हम करेंगे, फिर वाइट चॉकलेट थोड़ा डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। सो ये झटपट हमारा मेल्ट होके रेडी हो जाएगा। फिर उसमें हम बटर थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि बटर से थोड़ी शाइनिंग ज़्यादा दिखती है इसमें केक में। सो ये हम जाने देंगे माइक्रोवेव में। ये देखिए, हमने मैंने एक प्लेट ले ली है, जब तक डार्क चॉकलेट हमारा मेल्ट होता है हम इसको बाहर ले लेंगे, अनमोल्ड कर देंगे। फिर ऊपर से जो ये थोड़ा ऊपर नीचे है, सो इसको फ्लैट करेंगे एकदम कट करके बड़ी वाली नाइफ लेके, क्योंकि नहीं तो फिनिशिंग हमारे केक की अच्छी नहीं आएगी। सो ये हम ऊपर वाला पार्ट थोड़ा रिमूव करेंगे एंड इसको एकदम फ्लैट करना है। ये देखिए, एकदम हमारा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बना है। थोड़ा सा फैन के नीचे रख के इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसकी हम आइसिंग करेंगे, क्योंकि नहीं तो कुछ भी हम इसमें ऐड करेंगे पूरा मेल्ट होता जाएगा। इसीलिए हम इसको पहले फैन के नीचे थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ये देखिए, मैंने ऊपर वाला जो ऊपर नीचे जो पार्ट था सो मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है बिल्कुल। ये हमारा अब इवन हो गया एकदम फ्लैट। ये देखिए, हमारा बहुत मेल्ट हो गया है एंड थोड़ा थोड़ा बाकी है, बट अब इसमें मैं अमूल बटर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे शाइनिंग बहुत अच्छी आती है केक में। सो हम इसको यूज़ करेंगे। ये मैंने 100 ग्राम्स तक, ऑलमोस्ट इसमें मैंने 100 ग्राम्स यूज़ किया है डार्क चॉकलेट, और थोड़ा सा 1 spoon से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1.5 spoon मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है। फिर से मैं इसको रख दूंगी अवन में 30 seconds के लिए, जैसे सारा एकदम मिक्स हो जाए एंड जो थोड़ा थोड़ा है वो भी एकदम से मेल्ट हो जाए। इसको थोड़ा सा लिक्विडी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा मिल्क, 1 tablespoon जितना, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए, हमारा चॉकलेट गनाश एकदम बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको पूरे केक पे स्प्रेड कर देंगे ऊपर से। और यहाँ पे मैंने ये पिसी हुई चीनी, मेरे पास थोड़ी पड़ी थी उसमें मैंने वाटर ऐड करके शुगर सिरप मैंने बना लिया है। इस पे पहले हम शुगर सिरप ऊपर से लगा देंगे, क्योंकि एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए अंदर से भी। सो मैंने इसको पहले ऐसे बीच बीच में मैंने नाइफ लगा दी थी अंदर तक, जैसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। ये देखिए, हमारी शुगर सिरप हो गई है कोट। मैंने यहाँ पे देखिए थाली में ये मैंने एक रख दी है, स्टैंड रख दिया, स्टैंड के ऊपर मैंने केक लगा दिया है, क्योंकि हमें ये पूरा चॉकलेट गनाश इसके ऊपर साइड्स में लगना चाहिए, चॉकलेट गनाश अच्छी तरह से, इसीलिए मैंने स्टैंड लगा दिया है, जैसे साइड में भी एकदम मेल्ट हो गए नीचे चला जाए। ऐसे साइड साइड में भी हम कोटिंग करते जाएंगे, पूरा एकदम कोटिंग साइड में भी होनी चाहिए। ये देखिए, ऐसे इसको एकदम ऊपर से फ्लैट करना है ऐसे नाइफ से, या आपके पास अगर कार्ड है तो कार्ड से भी इसको फ्लैट कर सकते हैं, एंड साइड में भी पूरा कोट करते जाएं चॉकलेट से गनाश से।
एकदम इसको फ्लैट फ्लैट कर देना है, जैसे ऊपर से ना साइड साइड में लेके चॉकलेट गनाश साइड में भी कोट कर देना है। फिर हम वाइट चॉकलेट से भी इसको कुछ करेंगे, कोटिंग करेंगे वाइट चॉकलेट की भी। साइड में भी मैंने कोट कर दिया है पूरा, ये देखिए साइड्स में भी हमारा कोट हो गया है पूरा केक। सो अब हम इसको 2 to 3 मिनट्स छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको टच करेंगे क्योंकि ये एकदम जम जाए, उसके बाद हम दूसरा कुछ इस पर वर्क करेंगे। मैं अब सेकंड टाइम मैंने इसको फिर से मेल्ट कर दिया है जो मेरे पास गनाश बचा था, फिर उसको फिर से मैं ऊपर एकदम ऊपर की लेयर नीचे की लेयर अच्छे से जम गई है तो मैं दूसरी बार इसको ऊपर कोट करूँगी, जैसे एकदम ऊपर फ्लैट लगे, मतलब दाने दाने वाला ऊपर दिखाई ना दे, एकदम अच्छा सा स्मूथ लगे ऊपर से भी। ये सेकंड टाइम हमारी सेकंड कोटिंग हो गई है डन। इसको फिर से हम अच्छे से ऐसे करेंगे, अब ऊपर से हम थोड़ा कुछ इसको एक्स्ट्रा डेकोरेटिव भी अभी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये छोटा सा कोन बना लिया है एंड उसमें मैंने वाइट चॉकलेट फिल कर दिया है। इसको ऐसे ऐसे हम डिजाइन बनाएंगे अच्छे से वाइट चॉकलेट से। इतनी मस्त ऊपर से एक बार फिर से मैं इसी पे कोट कर दूंगी, जैसे थोड़ी मोटी मोटी इसमें लाइन दिखाई दे। मेरे पास थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम पड़ी थी सो मैंने इसमें ऐड कर दी है, इससे थोड़ा हम फ्लावर एक दो बनाए, जितना हमारे बने एक दो फ्लावर हम इसमें से बना देंगे। जितनी मेरे पास क्रीम थी उसमें से सिर्फ दो ही बने हैं। सो अब हम ओरियो के बिस्किट्स ले लेंगे और हाफ हाफ बिस्किट्स ऐसे हम लगा देंगे। ये मैंने 2 में से 4 पीस करके से अच्छे से लगा लिया है एंड अब मेरे पास थोड़े से शॉर्ट्स पड़े हैं तो मैं इनको भी पहले मैं जो मैंने फ्लावर बनाए हैं उसमें, फिर हम साइड्स में ऐसे एक एक हम शॉर्ट बीच में ऐसे सेट कर देंगे। शॉर्ट्स खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं एंड डेकोरेशन के लिए भी अच्छे लगते हैं। एंड मेरे पास वेफर स्टिक्स पड़ी हैं सो मैं ये हाफ हाफ करके कट करके ये दो बीच में ऐसे ऐड कर दूंगी और मैं आपके साथ कटिंग करके शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे किसी को गिफ्ट करना है। सो ये हमारा केक बनके एकदम से रेडी हो गया है।